हम तो याद को भी भूल गए ना। ये हमारा बहुत खूबसूरत नाम है हारिस मुहासबी रहमतुल्लाह ताला, बहुत बड़े लोग थे मैंने पढ़ा है। चलो शुक्र है इतने त्यार शार नहीं पे बच गए थी। वो हजरत हारिस मुहासबी रहमतुल्लाह ताला कहेंगे ये हमारे बड़े थे, लोगों ने आपका ना इस्तकबाल किया, आपको हार शार डाले, आप उठे बह के रोने लग पे। लोगों ने की हुजूर इस्तकबाल किया हार पाए ना तुम रोन डे। फरमाया ये तुम्हारा हुस्ने जान है, तुम पता नहीं मुझे क्या क्या समझती और तुमने हार डाले हैं। रो इस बात पे रहा हूं, कल जब रोजे कयामत मेरा नामा अमाल तुम्हारे सामने खुलेगा तो फिर मेरा क्या बनेगा। इधर ना गल ना बात गल ना सुनो साड़ी, इतने नमाजा पूरी कोई नहीं, कुराने पाक दी खोल के नहीं वेखी, दुरुदे पाक दी पढ़िया कोई नहीं, गल्ला सुन लो साड़ी, सारे मुफ्ती बने बैठे हैं। मैं पीछे भी सुना के आया, मैं आपको आज आज के किसी बंदे की बात नहीं सुना रहा, मैं उनकी सुना रहा हूँ जो सनद है, जो दलील है, जिनका दूसरा नाम ही अमल था, जिनका दूसरा नाम ही गुलामी है। मुस्तफ़ा था इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अल्लाह, मुरीद है हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह तआला ने, लिखा है कि आपने एक शख्स को मुस्कुराते देखा, आपने उसे पूछा है तू पुल सरात तू लांगे, उन्हें की थी हजरत ने, आपने फरमाया तेन पता है कि तू जन्नत च जाना है कि जहन्नम च, उन्हें की थी तुरा भी नहीं पता, फरमाया फिर तू क्यों हसन डे, फिर तू क्यों हसन डे, पता नहीं क्या हो गया, क्या मौज मस्ती चढ़ी हुई है सबको। ये तो मुरीद की सुनी ना, अब पीरों के पीर हजरत मौला अली मुश्किल कुशा की भी सुन लो। लिखा जब आप वजू फरमा के मुसल्ले पे खड़े होते ना नमाज अदा फरमाने के लिए तो रंग मुबारक जर्द हो जाता, अर्ज की जाती मौला ये क्या रंग है, तो अब आगे से फरमाते क्या तू देख नहीं रहा इतने बड़े दरबार में हाजरी का वक्त आ गया। साढ़े कल की है क्या है हमारे पास, इसलिए पता ना मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, अपनी नमाजें पूरी करो। ये मैं आपको सच कह रहा हूँ पुत्र, बिल्कुल ये ड्रामा लगा हुआ है सारे का सारा, झूठो झूठ चाली आ रही, झूठो झूठ चाली आ रही, नमाजा पूरी सोनी जिन्हें मुंडे बैठे थे पुत्र दाढ़ी रखो। और मेरे बुजुर्ग किबला शाह जी कमाल, आपको पता है बाबों की बातें तो जैसे आपने अभी फरीदी साहब का कलाम पढ़ा उन्हें समझ कोई नहीं आई, लेकिन लंग इतों ही गया मेरे भाई, हाल है उनका, ये कलाम नहीं है ये उनका हाल है, भावे समझ आए ना आए अंदर छेद पूरा कर छड़ना पड़ता है, ये हाल होता है इन बुजुर्गों का। मेरे बुजुर्ग फरमाने लगे और संगिया कख रख ले, संगिया कख रख ले, इसने अर्ज की हुजूर की होएगा कख रखना, फरमाया कल तेरा भी कख रह जाएगा। अल्लाह मैं अब आपसे एक सवाल करने लगा, आपने उसका बिल्कुल सच जवाब, आप किधर जी, आप किधर पंजाब कॉलेज है जी, है जी ठीक होगा, एस्पायर कॉलेज भी है, चलो जी दो पे बात कर लेते हैं। सवाल मेरा आपसे ये है, आपने पहन रखा है पंजाब कॉलेज का यूनिफॉर्म, आप एस्पायर कॉलेज चले गए, चौकीदार अंदर जान देगा की आखेगा, भाजी उलिया साढ़े वाला जिना ला उलिया पर उत्थे जाओ। अब आपने यूनिफॉर्म पहन रखा है एस्पायर कॉलेज, आप पंजाब कॉलेज चले गए, चौकीदार अंदर जान देगा की कहेगा, जिना बोलिया साढ़े अलग, मैं कहता हूँ यार कल कित इंजी ना होदोसी आप देखो सर पीन ली महबूब की बारगाह चादर हुई है तो उत्थे खलोता फरिश्ता आखे जनाब उलिया मदीने वाला नहीं जिना ला उलिया उत्थे जाओ, तेरे पल्ले क्या रहेगा। और मैं हजरत कोई बात अपनी तरफ से नहीं की, उलमा बैठे हैं माशाल्लाह, उस्ताद साहब बैठे हैं, असर साहब बैठे हैं, किबला शाह साहब हमारे सर का ताज है माशाल्लाह, बुजुर्ग बैठे हैं माशाल्लाह, बच्चे इमामे बता रहे हैं कि उलमा कसीर तादाद में। मैं आपको किसी नकीब किसी नात खान किसी शायर की बात नहीं सुनाने लगा, महबूबे खुदा फरमाते हैं मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिसकी मुशाबत इख्तियार करेगा उन्हीं में से उठाया जाए। सोनी करके रखो पुत्र, सोनी कख भी नहीं तेरे दाढ़ी लुआ के बुढ़ी रखनी की रखी है, चलिया तू तू देख तो सही, ओ बुढ़ी ओ महबूबे खुदा उन्होंने छड़ के उन्होंने राजी कर। अच्छा जी आपस में बैठे हैं ना, मेरी आदत है बोंगियां शोंगियां मारने की,
अगर इसके अलावा कोई और वजह है दाढ़ी ना रखने की, तो उठ के बंदा खड़ा हो जाए, सवाल करे जी कि जी मैं इस वजह ना नहीं रखी, जो वजह सिर्फ बुढ़ी है, उन्हें सोहना लगना है, जवान लगना है। फिर मैं कहना तेरी सोच से भी तफ है, तू बुढ़ी नू तो सोहना लगना चाहना है, लेकिन जेड़ा महबूब खुदा है जेड़ा सारे सोहने, तू सोहना तो उन्हें सोहना नहीं लगना। सोनी सोनी करके कख रख ला, कख रख ला, कल तेरा भी कख रह। सोनी करके जितने पुत्र जेडे इतने कुआरे बैठे थे, हाँ तेरे लिए भी नुस्खा है, हाँ कोई एडी टेंशन नहीं लैनी, जो कोई दाढ़ी की वजह ना रिश्ता ना दे, या मामे ने रिश्ता ना देना, सारा कुछ ही हुज़ूर दे दे रहे हैं। दरूशी पढ़ के ना ते तू चिट्ठी पे चढ़ी मदीना पाक महबूब, असी हुण दाढ़ियां रखांगे ते लोग सानू रिश्ते भी नहीं देने। जिधर जी अगले दिन दरवाजा ना खड़किया ते मिसबाही जुर्मदार है, हाँ जी जिधर जी अपने अंदर काला होए ते फिर बंदा की कह सकदा, कौन है जी?